नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पे। सीजीएल 2023 में वैकेंसीज जो आपको रिपोर्ट हुई है 7500, वो काफ़ी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग MTS हूँ, तो मुझे पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और जीएसटी जो हमारे ऑफिस के ठीक बगल में है, दोनों डिपार्टमेंट में एक लेटर आया है कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसीज है और कितनी इस वक्त सैंक्शनड है और दोनों में डिफरेंस क्या है, वो रिपोर्ट करना है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के ऑफिस को। और सेम हाल जीएसटी डिपार्टमेंट में, आपका एक्साइज वाले में, और भी अदर डिपार्टमेंट जितने भी हैं, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट भी जो जो दिल्ली में है, ठीक है, जिसकी पोस्टिंग आमतौर पर दिल्ली में ही होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली में होती है, साथ ही साथ MEA, इन सभी डिपार्टमेंट में भी एक तरह से लेटर देकर ये पूछा जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि कितनी वैकेंसीज आपके यहाँ है, मतलब कितने स्टाफ आपके यहाँ काम कर सकते हैं और कितना स्टाफ अभी आपके पास है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इलेक्शन चूंकि करीब है, इलेक्शन 2024 का करीब है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट रोजगार मेला लगाती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सीजीएल 2022 में 38,000 वैकेंसी और सीजीएल 2023 में केवल 7500 वैकेंसी सी रह जाए। वो बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको वैकेंसीज बढ़ती हुई दिखेंगी। इसीलिए आप जितने भी बच्चे जो परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि वैकेंसीज सीजीएल 2023 में काफ़ी कम है, इसलिए सिलेक्शन का जो रेट है, सिलेक्शन रेट जो है वो काफ़ी गिर जाएगा या चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस सीजीएल 2022 में आपने जो गलती की है वो आप सीजीएल 2023 में मत करो, और वैकेंसीज को लेकर चिंता बिल्कुल भी छोड़ दें। 4600 ग्रेड पे की भी वैकेंसीज काफ़ी बढ़ेंगी, ऊपर से 2800 इनकी भी वैकेंसीज बढ़ेंगी। PA जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है, पहले बिल्कुल नील थी, 7500 जो टेंटेटिव वैकेंसीज आई है उसमें कहीं भी PASA का जिक्र नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसीज उसमें ऐड होती हुई दिखेंगी और काफ़ी बड़े अमाउंट में ऐड होते दिखेंगे। ऐसा भी संभावना है कि सीजीएल 2022 से कुछ पोस्ट को काट करके सीजीएल 2023 में दे दिया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीजीएल 2022 के मुकाबले सीजीएल 2023 में जो वैकेंसीज है या तो बराबर होंगी, ठीक है, या तो थोड़ा बहुत ही कम होंगी, 19-20 का अंतर होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला नहीं है। इसीलिए वैकेंसीज को लेकर किसी तरह का कोई चिंता नहीं करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीजीएल 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप को मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से पब्लिश होती है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने सीजीएल 2023 के प्री में अपने मार्क्स को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज चेकआउट डेट। ऊपर से अगर आप बात करें सीजीएल 2022 के रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट जैसा कि एक तरीके से अफवाह उड़ा हुआ है, या जो आप कह ले, हो भी सकता है ऐसा, ठीक है, कि 28 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट 28 अप्रैल को ही आए। SSC फास्ट जरूर हो गई है, लेकिन इतनी भी फास्ट नहीं हुई है कि कोई कुछ भी बोलकर चला जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि 28 अप्रैल को भी आ सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक। लेकिन जो भी है, आपका रिजल्ट विद इन 2 to 3 weeks आ जाएगा। अगर 28 अप्रैल को नहीं भी आता है तो मई के मिड तक पक्का रिजल्ट है कि आपका आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेफरेंस फॉर्म मांगा जाएगा कि आप किस पोस्ट को ऑप्ट करते हो। उसके हिसाब से पहले ही आपको देखना होगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, रैंक कितना बन रहा है, उसके हिसाब से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे जैसे, जो प्रेफर करते हैं कि हम दूर ना रहें बल्कि हम अपने घर के करीब रहें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो प्रेफर करते हैं कि हमको हायर ग्रेड पे का जॉब चाहिए। तो सबके अपनी अपनी अलग अलग तरह की डिमांड है, ठीक है। किसी को पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ही पसंद होता है, चाहे पोस्टिंग कहीं भी हो, तो उस हिसाब से आप पहले ही सोच लें कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो फिर आपको कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना चाहिए, अगर आपको होम पोस्टिंग नहीं चाहिए तो आपको कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यह सारा बात आप अभी से सोच के रखो, क्योंकि रिजल्ट में अब ज़्यादा दिन का टाइम भी बचा है। साथ ही साथ अगर सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से आप मॉक्स लगाएं और अपने प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग रखें, ठीक है। जो गलती आपने सीजीएल 2022 में की है वो सीजीएल 2023 में दोहराने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर ऐसा भी संभावना है कि 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद, वैकेंसीज बहुत बहुत घट जाएंगी या तो बिल्कुल ना के बराबर आएंगी। तो इसको आप एक लास्ट अटेम्प्ट मानकर तैयारी करें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको आंसर जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।